और सबसे पहले उत्तरकाशी से एक बड़ी खबर है। यहाँ पर गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों नेशनल हाईवे बंद हो गए हैं। गंगोत्री हाईवे बंदरकोट और रतड़ी शिरा के पास बंद हुआ है, वहीं यमुनोत्री हाईवे खरादी के पास मलबा और पत्थर आने से बाधित हुआ। सड़क बंद होने की वजह से कई यात्री फंसे हुए हैं। प्रशासन की टीम दोनों बंद नेशनल हाईवे को खोलने में जुटी हुई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, दोनों बंद हाईवे को खोलने का काम जारी है। तो देख सकते हैं आप लगातार किस तरह से मलबा गिर रहा है पहाड़ी से, और इसकी वजह से दोबारा से रास्ता बाधित हो जाता है। नेशनल हाईवे है ये, जो कि बंदरकोट और रतड़ी शेरा के पास बंद हो गया है। तो आए दिन ये समस्या यहाँ पर आ रखी है, जैसे ही प्रशासन इसे खोलता है दोबारा पहाड़ी से मलबा आ जाता है। 106 पे स्लाइडिंग। बलबीर परमार ज्यादा जानकारी इस पर देंगे, उत्तरकाशी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलबीर, क्या कहता है प्रशासन, कब तक खोल दिया जाएगा हाईवे को और किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल, जो ये हाईवे है गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे, दोनों ही मुख्य हाईवे है और दोनों ही सुबह से बंद है और भारी बलवा वहां पे आ रहा है और लगातार लैंडस्लाइड पहाड़ी से हो रहा है, जिसके चलते जो यमुनोत्री हाईवे खरादी के पास और जो गंगोत्री हाईवे है बद्रकोट के पास बंद है, और दोनों ही जो दोनों ही पे जहां पे भूस्खलन हो रहा है वहां पे पहली बार फिर से भूस्खलन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुसीबत सुबह से सामने आई है यात्रियों के, और यात्री सुबह से फंसे हुए हैं। हालांकि जो बीआरओ है, जो लोरी भी एनएच है, दोनों ही जगह पे मशीनें पहुंच गई है और मार्ग होने की कोशिश की जा रही है, पर जो लैंडस्लाइड पहाड़ी से हो रहा उसके कारण थोड़ा समय लग सकता है। फिलहाल जो टीमें हैं दोनों ही विभाग की, वो मौके पे मौजूद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका बलबीर। और अगली खबर चमोली से, जहां पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया के सेलंग के पास यहां नेशनल हाईवे बंद हुआ। पहाड़ का आधा हिस्सा टूट कर गिर गया है। सड़क बंद होने की वजह से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। सड़क से मलबा हटाने का काम फिलहाल जारी है, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। चमोली में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान बद्रीनाथ नेशनल हाईवे समेत ग्रामीण इलाकों की सड़कों को हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली 31 सड़कें अभी भी बंद हैं। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे नंदप्रयाग, पागलनाला, छिनका, कमेडा, पतालगंगा, गुलाबकोटी के पास सबसे ज्यादा खस्ता हाल में है। सड़क पर लगातार मलबा गिरने का सिलसिला जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में पैदल मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसकी वजह से स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल तक पहुंच रहे हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं, नितिन सेमवाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन, पहाड़ों की ये आमतौर पर ये दिक्कत रहती है कि भौगोलिक परिस्थितियां कुछ इस तरह की हैं कि मौसम खराब होने की वजह से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उन रास्तों को खोलने के लिए जो कि लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो जाते हैं। अभी क्या हालात है मौजूदा चमोली में? जी, अगर चमोली की बात करें तो जब से मानसून सीजन शुरू हुआ है लगातार जगह जगह पर लैंडस्लाइड का सिलसिला वो जारी है, और अभी भी कल देर रात को हालांकि इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई लेकिन हल्की बारिश में ही बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सेलंग के पास पहाड़ी टूटने के बाद बंद हो गया है। वहाँ पर पहाड़ का आधा हिस्सा टूट कर सड़क पर आ चुका है, जिसे खोलने का काम जारी है। इसके अलावा अगर चमोली जनपद की बात करें तो चाहे गुलाबकोटी हो, पातालगंगा हो, पागल नाला हो, या नंदप्रयाग या कमेड़ा हो, लगातार बारिश होते ही बाधित होते चले गए, जिसकी वजह से जो यात्री हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना इस दौरान करना पड़ा। यात्री ही नहीं बल्कि चमोली जनपद के अधिकांश जो लोग हैं, जो ग्रामीण इलाकों के क्षेत्र हैं, वहाँ के लोगों को भी नेशनल हाईवे के बाधित होने से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा अगर बात करें तो चमोली जनपद में अभी 31 सड़कें ऐसी हैं ग्रामीण इलाकों की जो बाधित चल रही है, और कुछ सड़कें ऐसी हैं जो एक महीने से भी अधिक का समय हो चुका अभी तक उसको
खोला नहीं जा सका है। हालांकि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का कहना है कि सभी क्षेत्रों में मशीनों को भेज दिया गया है, लेकिन जो बरसात हो रही है, जो लगातार बरसात के बाद जो ग्रामीण इलाकों में बहने वाले जो बरसाती नाले हैं, वो अपने साथ भारी मात्रा में पहाड़ों से मलबा और बोल्डर लेकर नीचे की तरफ आ रहे हैं, जिसकी वजह से सड़क काफ़ी क्षतिग्रस्त हो रही है। अगर हम बात करें नंदनगर घाट क्षेत्र की, तो यहाँ पर पैरी सितोल गांव को जोड़ने वाली सड़क भी एक महीने से बंद है। यही पूरा सिलसिला अगर देखें तो पोखरी विकास खंड के कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर कि जो स्कूली बच्चे हैं उनको पहुँचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़कें क्षतिग्रस्त है, पैदल रास्ते क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तो जो समस्याएँ हैं वो लगातार मानसून की बारिश से देखी जा रही है, और अब सबको उम्मीद है, चाहे वो प्रशासन हो या स्थानीय लोग हैं, उनको उम्मीद है कि मौसम ठीक होने के बाद हालात धीरे धीरे ठीक होते चले जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं देहरादून से अगली खबर। यहाँ पर एक नामी स्कूल के छात्र के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। आठवीं कक्षा का ये छात्र, जिसने ये आरोप लगाए हैं, स्कूल कैंपस में यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। स्कूल प्रशासन पर मामले में कोई कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप है। बताया जा रहा है कि पीड़ित छात्र असम के गुवाहाटी का रहने वाला है और उसके पिता असम पुलिस में तैनात हैं, और असम में ही जीरो एफआईआर दर्ज करके देहरादून भेजी गई, जिसके बाद कोतवाली डानलवाल में केस दर्ज हुआ और अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एक नाबालिग की तरफ से, एक छात्र की तरफ से यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। उत्तराखंड में आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर हुए हैं। 5 जिलों के एसएसपी को बदला गया है। मणिकांत मिश्रा को उधमसिंह नगर का नया एसएसपी बना दिया गया है। अब तक यहां पर मंजुनाथ टीसी एसएसपी थे, आयुष अग्रवाल को टिहरी का एसएसपी बनाया गया, जबकि अमित श्रीवास्तव को उत्तरकाशी का पुलिस अधीक्षक बनाया गया। अक्षय प्रहलाद कांडे को रुद्रप्रयाग का एसएसपी बनाया गया और चंद्रशेखर घोड़की को बागेश्वर का पुलिस प्रमुख बनाया गया। तो कुल मिलाकर 15 आईपीएस ऑफिसर्स की पोस्टिंग और ट्रांसफर हुई है। अरुण मोहन जोशी को चारधाम यात्रा में आईजी की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में बीजेपी महानगर कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और सीएम ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया, उनकी बात को सुना और अपने मन की बात कही। सीएम ने कहा कि संवाद का ये कार्यक्रम अब वो हर जिले में करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार के 2 घंटे पार्टी के महानगर इकाई के कार्यकर्ताओं के साथ बिताए। उनके साथ जमीन पर बैठकर खाना भी खाया। सीएम ने कार्यकर्ताओं की जनहित से जुड़ी समस्याओं को सुना और एक एक सुझाव और शिकायत को बकायदा खुद ही नोट भी किया। महिला कार्यकर्ता पूनम ममगाई ने कहा कि आपने कीर्तन मंडलियों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन ये योजना 1 साल बाद बंद कर दी गई, फिर इसे शुरू करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ता की तारीफ की और कहा कि इस नवरात्र पर इसकी घोषणा कर दी जाएगी। अपने अपने क्षेत्रों का कार्यकर्ता पूरे परिश्रम से, पूरे समर्पण के साथ लगते हैं, तो उन्हीं का परिणाम, उसी का प्रतिफल है कि हम सभी चुनाव में हमको विजय श्री मिलती है, जनता तक हमारी बात पहुंचाते हैं। आज भी बहुत सारे सुझाव मिले हैं और यहां से हम संकल्प भी लेकर जा रहे हैं सारे लोग कि इस बार पार्टी का अभियान पूरी तरह से सफल बनाएंगे। मीटिंग में कार्यकर्ताओं ने खुलकर समस्याओं को रखा। किसी ने भू कानून पर बात रखी तो किसी ने सुरक्षा पर सख्ती की बात कही। कुछ और भी बातें सीएम धामी तक पहुंची, जिनमें शराब ठेकों के बाहर सड़क पर गाड़ी लगाकर शराब पीने वालों पर सख्ती की जाए। डेमोग्राफिक चेंज को लेकर भी चिंता जताई गई। शहर भर में रोज खुल रहे रेहड़ी ठेली वालों का सत्यापन कराने की मांग उठाई। शहर में ट्रैफिक जाम और जल भराव की समस्या भी प्रमुख तौर पर उठी। अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत होने वाले इलाज की भी शिकायत हुई। हमारा भू कानून का मुद्दा है, हमारे उत्तराखंड का। मैं एक उत्तराखंड की बेटी हूँ, मैं इस पीड़ा को जानती हूँ। हमें जो है अपना व्यक्तिगत कोई सवाल नहीं, हमारा ले रहा था प्रदेश हित के लिए। हमें भू कानून चाहिए किसी भी हाल में।
हमारे क्षेत्र में जो लोग हैं आके दो दिन बस जाते हैं और वो भी उत्तराखंड कहलाते हैं और हम भी उत्तराखंड कहलाते हैं। 2022-23 में ना मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा करी थी कि कीर्तन मंडलियों के लिए कि प्रत्येक जिले में 1-1 लाख रुपए कीर्तन मंडलियों को मिलना चाहिए ताकि वो अपना साजबाज ढोलक चिमटा वगैरह जो उनकी आवश्यकताएं उनकी पूर्ति कर सके। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है और इस पे ये नवरात्र आने वाले हैं, वो जरूर इस नवरात्र में दोबारा घोषणा करेंगे उसकी। मीटिंग खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर बैठकर खाना भी खाया। सीएम ने कहा कि कार्यकर्ताओं के जरिए जनता की समस्याएं आनी चाहिए और उनका समाधान भी होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं के बीच घोषणा भी की कि अब इस तरह का संवाद हर जिले में किया जाएगा। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह भी कहना है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रही है और आय से अधिक संपत्ति का कोई भी मामला आएगा उसकी पहले जांच की जाएगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। पारदर्शिता के आधार पर बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है और कहीं पर भी उसकी जाँच होगी। अगर कोई किसी ने भी कोई चीज दी है तो जाँच होगी और जांच में दूध का दूध होगा पानी का पानी होगा। इंडियन ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से दिल्ली में उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने मुलाकात की और राष्ट्रीय खेलों को लेकर बातचीत की गई। बताया जा रहा है कि जल्द ही राष्ट्रीय खेलों की तारीख का भी ऐलान कर दिया जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताते हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साफ निर्देश हैं कि शराब की ओवर रेटिंग और अवैध बिक्री नहीं होनी चाहिए। गुरुवार को चार्ज संभालने के बाद एक्साइज कमिश्नर हरिचंद्र सेमवाल ने हेडक्वार्टर में कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। कंट्रोल रूम से शराब की सभी दुकानों और गोदाम को कनेक्ट किया गया। वहीं उन्होंने अफसरों को शिकायत पर तुरंत कार्रवाई और रेगुलर मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को सीएम के निर्देश पर पूरे प्रदेश में करीब 200 दुकानों पर छापेमारी की गई। सभी दुकानों का स्टॉक चेक किया गया। आबकारी आयुक्त का कहना है कि जल्द शराब से जुड़ी शिकायतों के लिए मोबाइल ऐप तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश की लगभग 100 से ज्यादा दुकानों पर छापेमारी की गई, चेकिंग की गई कि कहीं पर भी ओवर रेटिंग ना हो, अवैध बिक्री शराब की ना हो। अब आबकारी आयुक्त का चार्ज संभाला है हरिचंद सेमवाल, जो आईएएस हैं, उन्होंने सर आपने चार्ज संभालते और फिर ये देखा है कि किस तरीके से मॉनिटरिंग पूरे प्रदेश में दुकानों की होगी, क्या सिस्टम आबकारी का है और कैसे ओवर रेटिंग या फिर अवैध बिक्री को रोका जाए। हमारे साथ आबकारी आयुक्त हैं। सर, ये जो पूरा एक सिस्टम है, आपको लगता है कि जो मुख्यमंत्री का कहना है कि सब रुकना चाहिए, इससे निगरानी होगी? तो प्रदेश में जितनी सारी दुकानें हैं हमारे यहाँ ऑनलाइन सिस्टम पे सारी चीजें उसमें कैमरे लगे हुए हैं सभी दुकानों पे और जो यहाँ से हमारे सेंट्रल कंट्रोल रूम है यहाँ से उस पर मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन इसमें और सुधार के लिए हम ये कर रहे हैं, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के द्वारा सी विजिल ऐप काम कर रहा है जिसमें शिकायतों को त्वरित निस्तारण किया जाता है, उसी तरीके का ऐप आबकारी के लिए भी हो और जिसके जरिए आम आदमी अगर कोई अव्यवस्था है या कहीं कोई कमियां हैं तो उसके बारे में विभाग को सूचित कर सके और विभाग के द्वारा उस पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। अगर किसी दुकान पे अवांछित गतिविधि पाई जाती है या किसी दुकान पे कोई उपभोक्ता के द्वारा ओवर रेटिंग के संबंध में कोई बहस की जा रही है, कोई वाद विवाद किया जा रहा है, तो वो हमें सिस्टम हमारा जो है हमें यहाँ पे जो हमारे कंट्रोल रूम में बैठे हुए अलर्ट दे देगा, उसके आधार पे नियरेस्ट जो भी हमारा कार्मिक है उसको हम सूचना देंगे और वो वहां जाके चेक करेगा कि जो भी हो रहा है उसका कारण क्या है और उसके समाधान के लिए अगर कोई दुकानदार की कमी है, दुकानदार के द्वारा कोई गलती की गई तो विभाग के द्वारा उस पर यथोचित कार्रवाई की जाएगी। कैमरा से संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। अगर आप मकान बनाने के लिए बिजली का अस्थाई कनेक्शन ले रखे हैं तो अपनी सिक्योरिटी मनी वापस लेना ना भूलें, क्योंकि आपके इस पैसे पर यूपीसीएल के अधिकारी और कर्मचारी मौज कर रहे हैं। देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन भले ही बिजली निर्बाध रूप से ना दे सके लेकिन आपकी रकम पर बिना किसी बाधा के डाका डालने के लिए तैयार बैठा है। एक ऐसा ही मामला ऋषिकेश में आया है जहां बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कंज्यूमर्स के करीब 18 लाख रुपए हड़प कर आपस में बांट लिए। दरअसल मकान बनवाने के लिए बिजली का अस्थायी कनेक्शन लेना पड़ता है, इसके लिए विभाग 1000 से लेकर 10000 तक की सिक्योरिटी मनी लेता है जो विभाग द्वारा बाद में कंज्यूमर को लौटाई जानी होती है।
लेकिन ऋषिकेश में अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलीभगत कर 18 लाख की रकम को अपने परिजनों और मित्रों के खातों में डाल दिया, जिसे ये दिखाया गया कि ये रकम उन्होंने कंज्यूमर्स को वापस लौटा दी। बाद में फिर इस रकम को आपस में बांट लिया गया। जैसे ही मामला खुला तो फिर यहाँ भी अधिकारी और कर्मचारी अपनी हरकत से बाज नहीं आए और एक मामूली से उप नल कर्मचारी को दोषी बताकर उस पर कार्रवाई कर दी। लेकिन ऊर्जा कामगार संगठन ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाकर फिर से जांच की मांग की है। देखिए, इसमें क्या हुआ कि जो जमानत राशि होती है, जमानत धनराशि, उसका गमन किया गया, उसको जो है अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रों के पास ट्रांसफर किया गया, बाद में उस अमाउंट को ले लिया गया। तो मेरा यही कहना है कि इसमें दोषी तो अधिकारी भी है, उस अधिकारी के ऊपर क्या कार्रवाई हुई जिसके अंडर में ये सब कुछ हुआ। UPCL में अगर किसी के पैसे रिफंड करने होते हैं तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की बिना परमिशन के नहीं हो सकता। वहीं जब इस मामले में UPCL से न्यूज 18 ने सवाल पूछे तो उन्होंने ऋषिकेश वाले मामले की बात तो स्वीकार की, लेकिन एक मामूली से कर्मचारी पर कार्रवाई का हवाला देकर टकासा जवाब दे दिया। एक ऋषिकेश में निश्चित रूप से एक घटना हुई थी, उसमें कई लोगों को जिसके द्वारा किया गया उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया, लेकिन हमने सबको चेतावनी दे दी, हमने कुछ जांच भी करी इसमें अब, लेकिन ऐसी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए सबको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। बीच बीच में अकाउंट ऑफिसर जो है वो डिवीजन में जा करके चेक करते हैं। ऋषिकेश जैसा मामला तो सिर्फ एक डिवीजन का है, हो सकता है कि इस जैसे कई और मामले भी हों जो किसी की जानकारी में ना हो, या जानकारी में है भी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जरूरी यह है कि बिजली विभाग में आप जो अपनी सिक्योरिटी मनी दे रहे हैं उसे वापस जरूर लें, नहीं तो यहाँ के कर्मचारी उस मनी को अपने पर सिक्योर करके रख सकते हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। हरिद्वार में बीजेपी नेताओं का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद बीजेपी नेताओं के साथ गाय से बात करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में यतीश्वरानंद कहते हैं कि गौ माता ने कहा है कि मुझे हरीश रावत से बचाओ। वीडियो में दिख रही दूसरी गाय पर एक बैनर भी लटका दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि हरीश रावत से मुझे बचाओ। वीडियो में यतीश्वरानंद के साथ पूर्व विधायक संजय गुप्ता और बीजेपी के जिलाध्यक्ष संदीप गोयल भी शामिल हैं। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर से सफर आसान जरूर होता है, लेकिन मौसम खराब होने पर जान पर भी बनाती है, और इसी खतरे को टालने के लिए अब केदारनाथ में स्पेशल सिस्टम लग रहा है ताकि हेलीकॉप्टर रूट पर हर वक्त मौसम का सही अपडेट मिल सके। ये वीडियो 31 अगस्त की सुबह केदारनाथ का है, जहां MI-27 खराब हेलीकॉप्टर को बीच में ही छोड़ना पड़ा था। दरअसल तेज हवा से MI-27 का बैलेंस बिगड़ने वाला था, और अगर खराब हेलीकॉप्टर को नहीं गिराया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। केदारनाथ हेली रूट पर पहले भी खराब मौसम के चलते कई हादसे हो चुके हैं, क्योंकि 3500 मीटर की ऊंचाई पर पल पल मौसम बदलता है। इसी मुश्किल का हल निकालने और लोगों की जान बचाने के लिए केदारनाथ में वेदर सिस्टम लगाया जा रहा है। मौसम विभाग केदारनाथ में हेलीपोर्ट ऑटोमेटिक वेदर ऑब्जर्विंग सिस्टम लगाने जा रहा है। इस सिस्टम के लगने से वेदर, टेम्परेचर, विंड स्पीड और विजिबिलिटी की आसानी से जानकारी मिल पाएगी। हेलीपोर्ट ऑटोमेटिक वेदर ऑब्जर्विंग सिस्टम तो एक ही लगेगा, तो जो भी करंट वेदर के लिए आपको पैरामीटर चाहिए, चाहे वो टेम्परेचर है, प्रेशर है, विंड है या विजिबिलिटी है, तो वो सब पैरामीटर उससे मिलेंगे। उसके साथ साथ जो सराउंडिंग में वेदर है तो जो ऑब्जर्वर रहेगा वो चीजें भी उसमें वो इंक्लूड करेगा। केदारनाथ में वेदर सिस्टम लगाने का काम पुणे से आई टीम करेगी और करीब 10 दिन में काम पूरा हो जाएगा। सिस्टम के काम करने के साथ ये रिपोर्ट हेली ऑपरेटर्स के साथ शेयर की जाएगी, ताकि मौसम को देखते हुए ही हेलीकॉप्टर उड़ान भरे। अभी वहाँ पे ये प्रोसेस शुरू हुआ है, हमारी टीम वहाँ जा रही है, इस चीजों को वो करेंगी, तो अगले वीक वगैरह तक वो चीज जो है वो तैयार हो जाएगी, फिर देखेंगे कि किस तरह उसका जो है स्मूथ फंक्शनिंग आगे चले। केदारनाथ हेली रूट पर दिन में कई बार मौसम बदलता है, जिसका अंदाजा तुरंत हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले पायलट को भी नहीं आ पाता। ऐसे में हेलीपोर्ट ऑटोमेटिक वेदर ऑब्जर्विंग सिस्टम से जहां से ये सफर आसान होगा तो जान का रिस्क भी कम होगा।
दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। उत्तरकाशी के डूंडा ब्लॉक के ठांडी गांव में जहां पर भेड़ों के मेला देव डोलियों की मौजूदगी में बड़े धूमधाम से यहां पर मेला मनाया गया और मौके पर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे। बुग्यालों से भेड़ पालक बड़ी संख्या में अपनी भेड़ बकरियों को लेकर गांव पहुंचे। सबसे पहले भेड़ों की ऊन की कटाई की गई, इसके बाद भेड़ों को गांव तथा मंदिर के चारों तरफ घुमाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने देवताओं से क्षेत्र की सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया। जिस मकसद से वो यहाँ पर आए हैं कि उनकी भेड़ें सुरक्षित रहें, भगवान का आशीर्वाद उन पर बना रहे, वो पूर्ण हो और ये क्षेत्र आगे बढ़े, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड आगे बढ़े। टिहरी जिले के सीमात गांव गंगी के भेड़ कौथिक लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पौराणिक काल से चलते आ रहे इस मेले में साल भर बुग्यालों और जंगलों में भेड़ बकरियों के साथ रहने के बाद सही सलामत सुरक्षित घर लौटने का जश्न मनाया जाता है और अपने आराध्य देव सोमेश्वर देवता के मंदिर में भेड़ कौथिक का आयोजन होता है। इस दौरान हजारों भेड़ बकरियों की टोलियां सोमेश्वर देवता के प्राचीन मंदिर का चक्कर लगाती हैं, जिसका सुंदर दृश्य आज लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये मान्यता है कि हमारे जो सोमेश्वर भगवान है वो पहले मानव जीवन में थे और वो जो भेड़ बकरियों को चरान चुमान करते थे, स्थानीय भाषा में उनको पाल से कहा जाता था। मैं तो ये है महाराज की ये जो है परंपरा अनुगत जो है तीसरे साल या चौथे पांचवे साल में जो है ये भगवान की भेड़ परिक्रमा होती है। ये भगवान सोमेश्वर राजा गंगे के मुख्य आराध्य देव है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने एक बार फिर से कांग्रेस के विधायकों को बीजेपी में आने का ऑफर दिया है, तो कांग्रेस ने ऑफर पर करारा जवाब दिया। देखिए, बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक रहे राजेंद्र भंडारी ने एक गलती करके कुर्सी गवा दी। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में जाने का फैसला किया तो विधायक पद से हाथ धोना पड़ा। अब उसी बद्रीनाथ से बीजेपी के पूर्व विधायक और मौजूदा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने फिर ऑफर दिया है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि बाद में विधायकों को देरी का अफसोस होता है, इसीलिए यही समय है और सही समय है। 15 सितंबर तक सदस्यता अभियान चल रहा है, इसीलिए तुरंत आए। तो बद्रीनाथ के नए कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला का भी जवाब आया। बुटोला ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता बस दरी बिछाएंगे, कांग्रेसी ही राज करेंगे और यही अब जनता करेगी। कांग्रेस के विधायक भी अभी आना चाहें तो आ सकते हैं आप? नहीं नहीं, वो अभी से मना कहाँ कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक टाइम पाएंगे तो निर्णय होने विलम्ब लगेगा। अभी से आना, आजकल सदस्यता अभियान चला, अभी 15 सितंबर तक जो आना चाहे उनका सबका स्वागत है। मुझे लगता है कि भाजपा ने जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं उसमें 60% तो कांग्रेस मूल के हैं। शायद सीएम भी आप कांग्रेस मूल के बनाएंगे, राज्यसभा संसद भी कांग्रेस मूल के भेजेंगे, कार्यकर्ता केवल इनकी दरी बिछाएंगे। ये बेहतर होता लोकतंत्र में अपनी पार्टी को मजबूत करें, अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा करें और अपने नेताओं पर भरोसा करें। अगर कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस पर इतना भरोसा है तो जनता सत्ता कांग्रेस को ही देगी सत्ता, इसमें भर्ती चिंता न करें। बीजेपी बार बार विधायकों को खुला ऑफर देकर कांग्रेस का कॉन्फिडेंस तोड़ना चाहती है, लेकिन पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी को लगे झटके के बाद कांग्रेस विधायक अंदर खाने शांत हैं और ऐन वक्त पर बिना वजह विधायकी छोड़ने की गलती कोई शायद ही करे। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सड़कों से आवारा कुत्ते हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन यही कुत्ते अब हाईकोर्ट के लिए मुसीबत बन गए हैं। आए दिन हाईकोर्ट के आसपास कुत्तों को काटने की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं और वकीलों से लेकर वादी तक इससे परेशान हो गए हैं। कुछ वकीलों ने कोर्ट में याचिका मेंशन की, जिस पर कोर्ट ने ईओ नगरपालिका की कोर्ट में तलब किया, स्थिति पूछी। हालांकि इसके बाद नगरपालिका की टीम हरकत में आई और ईओ समेत टीम हाईकोर्ट के आसपास लोगों को काट रहे कुत्तों को पकड़ने में जुटी हुई है। ये बात अलग है कि उन्हें सफलता अभी तक नहीं मिली। इस गेट नंबर 7 के बाहर कुछ आवारा टाइप के कुत्ते हैं, तो वो कुछ लोगों को काट रहे हैं, तो हमने कोर्ट में मेंशन किया आज, तो कोर्ट ने इसको 7:15 बजे लगाया और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी
कोर्ट में थे और नगर पालिका के एडवोकेट भी थे, तो संभवतः जो कुत्ते आवारा हैं जो लोगों को काट रहे हैं तो उनको पकड़ने का अभियान अब जो बताया गया कि चालू किया जाएगा। और वक्त एक छोटे से ब्रेक क्या हो गया है, फौरन लौटते हैं।